शाहजहांपुर समेत जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर सफेद मक्खी ने हमला किया है, जिससे कपास की पैदावार में कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कुंवर फहीम इस बारे में हमें वसीम बताएंगे। राजनपुर में कपास की फसल पर सफेद मक्खी की अलगार। सफेद मक्खी रस चूसकर कपास के पौधे को जला देती है, जिससे जिले की 4 लाख एकड़ पर तैयार कपास की फसल को नुकसान पहुंचेगा और पैदावार में कमी का खदशा है। एक तरफ तो दावा किया जाता है कि जरी मईशत इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, लेकिन उसकी बेहतरी और किसानों की खुशहाली के लिए इकदाम ना करना हुकूमत पंजाब की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। हम मुतालबा करते हैं रिसर्च ज़राअत के शोबे से रिसर्च करने वाले डॉक्टर साहबान से कि वो ऐसी अद्वियात प्रोडक्ट तैयार करें जो सफेद मक्खी थ्रेस को कंट्रोल कर सके। सफेद मक्खी का हमला सितंबर में खतरनाक हद तक पहुंच जाता है, जो तेज हवाएं चलने तक जारी रहता है। सफेद मक्खी इतना थी बे इंतहा, हर रोज आसरा थे वही खत्म थी गई और साहब देख सकते हो इतना मक्खी बे इंतहा है। थोड़ा जी मेहरबानी थे वजे कवर वास्ते कोई इलाज किया वजे। काश्तकारों ने सफेद मक्खी के हमले की वजह जाली अद्वियात को करार दिया है। इस सिलसिले में जब महकमा ज़राअत के अफसरान से राब्ता किया गया तो उन्होंने अपना मौकफ देने से इनकार कर दिया। बीमारियों के हमले और कम रेट के बायस दिन ब दिन कपास की काश्त में कमी वाकई हो रही है और काश्तकार दीगर फसलें उगाने को तरजीह दे रहे हैं, जिस पर हुकूमती तवज्जो की जरूरत है।